अब हम देखेंगे आपकी बुक का एग्जांपल नंबर फोर कि जहां आपको अभी रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने इस लेंथ को वन यूनिट लिया है, सिमिलरली इसी डिस्टेंस को मैं वन यूनिट करते हुए आगे लेकर गया। अब जैसे कि हमने पहले ड्रॉ किया था तो हम इतना ही डिस्टेंस वर्टिकली भी लेंगे, आपका 90 डिग्री पे। तो मैं यहां से डिस्टेंस लूंगा, इसको मार्क करूंगा आपके, दिस मच विल बी वन यूनिट, सो यू कैन से दैट दिस मच इज वन यूनिट। इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा तो ये भी वन यूनिट हो गया, ये भी हमारा वन यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मुझे, रूट टू। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने ये डिस्टेंस मेजर करना है, राउंडर से आप ले सकते हैं, उसके बाद इसे ड्रॉप डाउन करना है नंबर लाइन पर। तो ये जो नंबर हमें मिला है यहाँ पे, ये आपका 1.5 जितना होगा, मिड पॉइंट है ये आपका 1.5। और आप ये देख सकते हैं कि दिस इज अप्रोक्स 1.414 जो आपका इरेशनल नंबर है। ये हमने प्रूव कैसे किया था, पाइथागोरस थ्योरम से। बट रूट थ्री के लिए क्या करना रहेगा, अभी आपको आपको फिर इस पॉइंट से, ये लेंथ आपका रूट टू हो गया, तो यहां से आपको 90 डिग्री वापिस से इतना ही लेंथ, दिस मच लेंथ आपको यहाँ पे लेना है। मतलब कि ये लेंथ वापिस मैंने ले लिया एक यूनिट, दैट टू 90 डिग्री में। तो अभी मेरा पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा, अगर मैं इनको ड्रॉ कर लू, ज्वाइन कर लू, तो अब ये लेंथ मुझे कितना मिला आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे नेमिंग ले दू ओ ए बी, तो ओ ए मेरा कितना था, आपने पहले ही देख लिया था वो कितना है, वो है हमारा रूट टू। इस ट्राइंगल को मैं यहां ड्रॉ कर दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये मेरा OA है, यहां से हमने 90 डिग्री लेंथ लिया और फिर हमने इसे OB से ज्वाइन किया हुआ। ये हमारा था रूट टू, ये हमने वन यूनिट लिया अगेन। तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो लेंथ मिला वो कितना है। OA हमारा रूट टू हो गया, AB हमारा कितना है वन यूनिट। तो अभी हमें OB स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, रूट टू का स्क्वायर, और ए बी कितना है वन का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू, प्लस वन का स्क्वायर वन। तो ओ बी स्क्वायर हमें कितना मिल गया थ्री, तो ओ बी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो अभी हमने जो ये ढूंढा है डिस्टेंस ओ टू बी का, दैट विल बी रूट थ्री। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी विल बी रूट थ्री। इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन हम लोग इसे यहां से मेजर करेंगे, आपके ओ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और बी तक इसे मेजर करेंगे और फिर हम इसे यहां से नंबर लाइन पे गिराएंगे। और आप देख सकते हैं ये 1.5 से ज्यादा जा रहा है, दैट विल बी अप्रोक्सी 1.73। अब ये केवल एक ही मेथड है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको ऐसे ही कंपलसरी, अगर रूट फाइव बोला गया तो रूट थ्री और फिर आपको टू यूनिट्स लेना है रूट टू, ये काफी कठिन होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाएंगे आपका फिगर बहुत ही बड़ा होता जाएगा। तो एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप डायरेक्टली रूट थ्री शो कर सकते हैं अगर आपने रूट टू ढूंढ लिया है तो।